लॉकडाउन के अंदर सारे रेस्टोरेंट बंद हैं और हम बाहर का खाना बहुत ही मिस कर रहे हैं। तो आज मैं आपके साथ में रेस्टोरेंट स्टाइल क्रिस्पी करारी कटलेट की रेसिपी लेके आई हूँ। ये कटलेट के अंदर मैंने बहुत सारी सब्जियों का उपयोग किया है जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। तो चलिए रेस्टोरेंट स्टाइल क्रिस्पी करारी कटलेट बनाना शुरू करते हैं। कटलेट का मिश्रण तैयार करने के लिए मैंने एक पैन ले लिया है और उसके अंदर मैं 1 टेबलस्पून तेल डाल देती हूँ। इसे मैं गर्म करने के लिए रख देती हूँ। मैंने 1.5 कप सब्जियाँ ली हैं जिसको मैंने बारीक कट कर लिया है। मैंने इसके अंदर पत्ता गोभी, लाल पीला शिमला मिर्च, प्याज और हरा शिमला मिर्च लिया है। ये सारी सब्जियाँ मेरे पास पड़ी थी तो मैंने इसमें ले ली है। आपके पास जो भी सब्जी अवेलेबल है आप उसका उपयोग कर सकते हैं। थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ जिससे सारी सब्जियाँ जल्दी कुक हो जाएंगी। मैं सब्जियों को तेज आंच के ऊपर कुक करूंगी। सब्जियों को ज्यादा गलाना नहीं है, केवल इसे थोड़ा सा सॉफ्ट ही करना है। दोस्तों, आप जब भी कटलेट बनाएं तभी हमेशा उसमें ज्यादा सब्जियों का उपयोग कीजिएगा। इससे कटलेट का स्वाद बहुत ही बढ़ जाएगा और इस प्रकार से हम बच्चों को भी सब्जियां खिला पाएंगे। आधा मिनट हो चुका है और सब्जियां भी सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब मैं इसके अंदर 2 चम्मच मैदा ऐड कर देती हूँ। अगर आपके पास मैदा ना हो तो आप इसके अंदर गेहूं का आटा या तो फिर कॉर्नफ्लोर, कोई भी चीज आपके पास अवेलेबल है उसका उपयोग कर सकते हैं। 1 चम्मच हरी मिर्ची का पेस्ट, तीखापन आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा ले सकते हैं। 1 कप बारीक कटा हुआ धनिया। अब मैं सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और इसे कुक कर लेती हूँ। देखिए दोस्तों, बहुत ही कलरफुल और बढ़िया दिख रहा है मिश्रण। इसे देख के ही खाने की इच्छा हो जाए वैसा मिश्रण तैयार हुआ है। मैंने इसे करीबन आधा मिनट के लिए कुक किया है और सारा मिश्रण अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें सारे मसाले कर देती हूँ। 1 चम्मच चाट मसाला। चाट मसाला डालने से कटलेट बहुत ही चटपटी और टेस्टी तैयार होती है। 1/2 चम्मच किचन किंग मसाला। मेरे पास अभी गरम मसाला नहीं है तो मैं किचन किंग मसाला ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास गरम मसाला है तो आप इसके अंदर 1 चम्मच गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। कटलेट के लिए जो मिश्रण है वो तैयार हो चुका है। अब मैं इसे ठंडा कर लेती हूँ। 10 मिनट हो चुके हैं और सारा मिश्रण अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब मैं इसमें आलू डाल देती हूँ। मैंने 4 मीडियम साइज के आलू लिए थे जिसको मैंने बॉईल कर लिया था और उसको मैंने कद्दूकस कर लिया है, वो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। ये 2 कप आलू का मिश्रण है। मैं हमेशा कटलेट के अंदर इस प्रकार से आलू को ग्रेट करके डालती हूँ जिससे ये बहुत ही आसानी से अंदर मिक्स हो जाते हैं। सारे मिश्रण को मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और बाद में हम कटलेट तैयार करेंगे। कटलेट के लिए हमने जो मिश्रण तैयार किया है वो अच्छे से मिक्स हो चुका है। दोस्तों, इस प्रकार का मिश्रण आप बना के फ्रीज में रेडी भी कर सकते हैं। ये 2 दिन तक बहुत ही अच्छा रहता है। जब भी आपका मन करे तभी आप इसमें से कटलेट बना के सबको सर्व कर सकते हैं। कटलेट का जो मिश्रण है उसे मैं समान हिस्सों में डिवाइड कर लेती हूँ। पहले इसमें से मैं छोटे बॉल्स तैयार कर लेती हूँ, बाद में कटलेट का शेप देंगे। मैंने मिश्रण में से सारे बॉल्स तैयार कर लिए हैं। अब मैं इसे कटलेट का शेप दे देती हूँ। मैं हमेशा कटलेट इस प्रकार से ट्रायंगल शेप में ही तैयार करती हूँ, वो तैयार कर लेते हैं। आपको जो भी शेप पसंद है वो शेप की आप कटलेट तैयार कर सकते हैं। मैंने सारे कटलेट तैयार कर लिए हैं, अब हम आगे की तैयारी करेंगे। मैंने एक बोल के अंदर 2 टेबलस्पून मैदा ले लिया है और उसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। इस प्रकार करने से इसमें कोई भी गुठलियां नहीं रहेंगी। सारा मिश्रण अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं बाकी का पानी इसमें ऐड कर देती हूँ। मैदे की स्लरी तैयार हो चुकी है। मैंने एक दूसरे बोल के अंदर ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं। मेरे पास अभी ब्रेड क्रम्स हैं तो मैं उसका उपयोग कर रही हूँ। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स ना हो तो आप इसकी जगह पे सूजी का भी उपयोग कर सकते हैं। अब हमने जो कटलेट तैयार किए हैं उसे मैं मैदे के मिश्रण में डिप कर लेती हूँ और जो भी एक्स्ट्रा स्लरी है उसे मैं निकाल लेती हूँ। अब ये कटलेट को मैं ब्रेड क्रम्स में डाल देती हूँ और इसे अच्छे से कोट कर लेती हूँ। बिल्कुल इसी प्रकार से मैं सारे कटलेट तैयार कर लेती हूँ। मैंने सारे कटलेट को एक बार अच्छे से ब्रेड क्रम्स लगा के कोट कर लिया है।
अब मैं सेम प्रोसेस दोबारा करूंगी जिससे कटलेट का आउटर लेयर बहुत ही क्रंची और करारा तैयार होगा। वापस मैं इसे स्लरी के अंदर डिप कर लेती हूँ और उसके ऊपर ब्रेड क्रम्स कोट कर लेती हूँ। बिल्कुल इसी प्रकार से मैं सारे कटलेट तैयार कर लेती हूँ। मैंने सारे कटलेट तैयार कर लिए हैं, अब मैं इसे तल लेती हूँ। दोस्तों अगर आप चाहें तो इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, पर उसमें बहुत ज्यादा ऑयल एब्जॉर्ब होता है, इसलिए मैं हमेशा इसे डीप फ्राई ही करती हूँ। मैंने तेल को गर्म करने के लिए रख दिया था, अभी तेल गर्म हो चुका है, अब मैं कटलेट को तल लेती हूँ। दोस्तों जब भी आप कटलेट को तैयार करें तभी हमेशा उसे मीडियम आंच के ऊपर ही तलिए, जिससे कटलेट सब जगह से अच्छे से क्रिस्पी और करारी तैयार होंगी। आप जब भी इसे तले तभी धीमी आंच के ऊपर बिल्कुल भी ना तलिएगा, नहीं तो ये बहुत ज्यादा ऑयल एब्जॉर्ब करेंगे और तेल के अंदर कटलेट का मिश्रण है वो छूट जाएगा, इसलिए आप जब भी इसे तलिए तभी हमेशा मीडियम आंच के ऊपर ही तलिए। एक साइड से कटलेट तल चुकी है, अब मैं इसे पलट लेती हूँ। इस प्रकार इसे अलटते पलटते तलिए जिससे कटलेट सब जगह से अच्छे से तैयार होगी। कटलेट बहुत ही बढ़िया रंग की तैयार हो चुकी है, ब्राइट गोल्डन कलर आ चुका है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ और बिल्कुल इसी प्रकार से मैं सारी कटलेट तैयार कर लेती हूँ। मैंने सारी कटलेट को तैयार कर लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों सब जगह से बहुत ही अच्छे से ये तली गई है और क्रिस्पी और करारी तैयार हुई है। जैसे मैंने आपको सिखाया है बिल्कुल आप वही प्रोसेस से इसे तैयार कीजिएगा, आपके भी कटलेट बहुत ही बढ़िया तैयार होगी। जैसे ये रेस्टोरेंट में मिलती है बिल्कुल वैसे ही ये तैयार हुई है। मैंने इसे टोमेटो केचप और थोड़े से सलाद के साथ सर्व किया है। अगर आपके पास हरी चटनी है तो आप हरी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। हमारे टेस्टी यम्मी डिलीशियस सब्जियों से भरी हुई कटलेट बनके तैयार है। आप इस रेसिपी को बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ जरूर शेयर करें, और इसी प्रकार की यूनिक रेसिपीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।